ओके गाइस, कैसे हो? तो अभी क्या है कि वीडियो डिलीट हो चुका है जो मोमो वाला मैंने डाला था वो वाला, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे भी जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है वो वीडियो, तो प्लीज़ उसको भी डिलीट कर दो, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि पहले मतलब परमिशन मिल गई थी वीडियो डालने की, क्योंकि बिगैर परमिशन के एक तो मैं वीडियो डालता नहीं हूँ, और इस बार पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मैसेज के कारण, तो मेरे को लगा कि मैडम ने मैसेज किया है परमिशन देने के लिए, बट वीडियो डालने के बाद उन्होंने मना किया डालने के लिए, डिलीट करने को कहा, तो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। तो देखो, रियल जो प्रैंक्स होते हैं या फिर रियल जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उसमें देखो ऐसा होता ही है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है तो आप मान सकते हो, बट बनाने वाले को पता होता है कि उसको कितनी मेहनत लगी उस वीडियो को बनाने में, एक वीडियो को बनाने में। बंदों को लगता है कि 10 मिनट में बना दिया होगा पूरा वीडियो वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं, हम जाते हैं बाहर, 10 लोगों का बनाते हैं, 10 में से कुछ के रिएक्शन मिल पाते हैं, जिनके रिएक्शन मिल पाते हैं उनमें से कईयों की परमिशन ही नहीं मिलती, तो वीडियो थरी के थरे रह जाते हैं, किसी काम नहीं आते वो। और कुछ वीडियो हम डालते हैं तो उसमें से बहुत कम चांसेस होते हैं कि वायरल जाए, और कुछ जाते भी है तो उसमें परमिशन का इश्यूज़ आ जाता है, बाद में हो सकता है उनको वीडियो अच्छी ना लगे हमारे डालने के बाद, तो वीडियो हमको डिलीट करनी पड़ती है, जैसा कि अभी मेरे साथ हुआ। और उसके बाद आप उस वीडियो को टेक डाउन कर देते हो कि हाँ भाई स्क्रिप्टेड बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है। यार मैं चाहूँगा कि यार एक बार आप बाहर निकलो, ऐसा वीडियो कुछ बना कर देखो, तो आपको पता चलेगा कि एक वीडियो बनाने में कितनी सिरदर्दी होती है, कितना टाइम लगता है। हम दूसरों को खुश करना चाहते हैं यार, हम जस्ट इतना दिखाना चाहते हैं कि एक स्केच से भी बंदे बहुत अच्छे से शॉक्ड हो सकते हैं, एक अच्छा रिएक्शन दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है लोगों को जब उनका स्केच उनको मिलता है, ठीक है? हम बस ये दिखाते हैं, हम दूसरों की तरह नहीं करते कि लोगों को रोकते हैं, उनका टाइम वेस्ट करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करना, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। हम बस अपना सीधा साधा स्केच, सरप्राइज स्केच देते हैं और उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो बस यही बातचीत होती है। और आपको लगता है कि ये स्क्रिप्टेड है, ये बंदा फेक है, ये बंदा फालतू वीडियो बना रहा है, तो कोई नहीं यार, अब से आई थिंक ऐसी वीडियो आएगी नहीं। मेरे को भी यार अच्छा नहीं लगता कि मैं महीने में एक वीडियो डाल रहा हूँ, मंथ में यार एक वीडियो आती इसलिए क्योंकि परमिशंस नहीं मिल पाती, अब बहुत सारे काम हो जाते हैं जिसके कारण वीडियो नहीं आ पाती। इससे अच्छा है कि मैं खुद के बारे में सोचूं बजाय दूसरों के, मैं फालतू में सोचता हूँ कि यार किसी को अच्छा लगेगा स्केच, किसी के क्या रिएक्शन होंगे, मेरे माइंड में चलता रहता है कि अगर किसी को ऐसा स्केच दिया जाए, किसी लड़की को दिया जाए तो उसको कैसा सरप्राइज़ लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कैसा लगता है, किसी बंदे को दिया जाए तो उसको कैसा लगता है, किसी छोले भटूरे वाले को दिया जाए तो उसको कैसा लगता है। सबके अपने अपने अलग अलग थॉट्स होते हैं, तो हम ना अमीर देखते हैं ना गरीब देखते हैं, हम बस देखना चाहते हैं कि बंदों के रिएक्शन कैसे होते हैं अगर उनको स्केच दिया जाए तो। लेकिन कोई नहीं, जब यार जनता पब्लिक यार आप लोग ही सपोर्ट नहीं करते ऐसे कामों के लिए तो यार क्या फ़ायदा, मतलब इससे अच्छा तो ये है कि मैं घर पे अपना स्केचिंग कर लूँ, उसकी वीडियो डाल दूँ, उस पर अच्छे खासे व्यू आ जाएंगे, क्यों मैं फालतू में बाहर जाता हूँ, लोगों का स्केच बनाता हूँ, उनको गिफ्ट करता हूँ, बेकार है सब। चलो यार बाय, इतना ही कहना था बस कि जिन्होंने वीडियो डाउनलोड कर ली प्लीज़ इसको डिलीट कर देना बस।